जी मैं वाला पूरा एकदम हाँ समय आवाज आवाज वाला लिखना आवाज भी बिगड़ रही हो बिगड़ रही हो और जी मैं वाला तो आप भी ना नमस्कार साथियों, आज हम ग्रामर के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे और काफ़ी ये है कि एक तो ये बहुत चलन में है टॉपिक, लगभग हर कक्षाओं में और टेंथ में सारे कंपटीशन एग्जाम्स में सब में ये आता है और काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में है। उस टॉपिक का नाम है टेंस। अब क्या है, एक बात तो ये क्लियर पहले हो कि टेंस इंग्लिश ग्रामर में सबसे बड़े टॉपिक्स में से एक है। अंग्रेजी के जो सबसे बड़े टॉपिक्स हैं उनमें से एक टॉपिक है, पहली बात। दूसरी, इसके बारे में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, फैलेसीज है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कितने होते हैं टेंसेस, क्या होते हैं, क्या सारी बातें हैं, इस प्रकार की चीज़ें जो सामान्य चीज़ें हम आज ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ ये टेंस, ये होते क्या है। अभी काफ़ी सारे बुक्स में लिखा होता है कि टेंस को हिंदी में हमारे काल कहा जाता है, जबकि टेंस का हिंदी में मतलब काल नहीं होता है। टेंस का उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि टेंस और टाइम एक चीज है, कहीं नहीं है। टेंस और टाइम दोनों एक चीजें नहीं है। टेंस और टाइम का आपस में कोई लेना देना नहीं है। टेंस और टाइम बहुत अलग अलग चीजें हैं। टाइम एक बहुत बड़ा अपने आप में एस्पेक्ट है जिसको हम लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में डिवाइड कर रखते हैं। टेंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। टेंस काल नहीं होता है, जबकि हमारे यहाँ पर एक भ्रांति एक टेंस काल होता है। काल क्यों नहीं होता, इसके बारे में चलो हम बात। फिर होता क्या है टेंस और काल क्यों नहीं होता, वो चीज हम देख लेते हैं। देखो टेंस क्या होता है, ढंग से देखना। टेंस होता है द करेक्ट यूज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब्स। ढंग से देखो दोबारा, क्या द करेक्ट यूज, कैसा प्रयोग, शुद्ध प्रयोग। द करेक्ट यूज, शुद्ध प्रयोग किसका, वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब्स। माने क्या कि जो वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं, इनके वेरियस टाइप्स होते हैं, भिन्न प्रकार होते हैं, अलग अलग जी प्रकार होते हैं इनके वर्ब्स के। इन जो भिन्न प्रकार होते हैं उनका शुद्ध प्रयोग क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। क्रियाओं का वर्ब्स की वेरियस टाइप्स का करेक्ट जो यूज होता है वो क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे से देखा, सपोज करो मेरा इस बात को मैं और स्टेटमेंट को क्लियर करूं। जैसे एक वर्ब है हमारे पास, वर्ब है हमारे पास प्ले। अब इस प्ले के कितने टाइप हो सकते हैं, प्ले अपने आप में टाइप, इसका एक टाइप क्या होता है प्लेट, इसका एक टाइप क्या है प्लेइंग, इसका एक टाइप जैसे फिर प्लेट पास्ट पार्टिसिपल जो उसका। तो वर्ब्स के वेरियस टाइप्स हुए कि में प्ले प्लेट प्लेइंग, एक वर्ब एक और टाइप है प्लेस, मॉडल्स के साथ यूज करें तो विल प्लेस एंड प्लेस जैसा। तो जो करेक्ट वर्ब जो है इसके जो वेरियस टाइप्स हैं, इसके जो विभिन्न प्रकार हैं, उनका शुद्ध प्रयोग टेंस कहलाता है। माने क्या, ये दोबारा देखें इस बात को एक बार फिर से कि जो वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं, उनके वेरियस टाइप्स होते हैं। बल्कि बात क्लियर हो, वेरियस टाइप्स कैसे, जैसे एक वर्ब है प्ले, इसके कितने टाइप हो गए, एक टाइप प्लेज है, एक प्लेड है, एक पास्ट पार्टिसिपल, दोनों प्लेड में अलग अलग लिखे हैं, ये पास्ट टेंस का वो है प्रकार। और ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल प्लेड है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है प्लेइंग, ये प्ले जो रूट वर्ब है वो है। तो वर्ब्स के क्या होते हैं, वेरियस टाइप्स होते हैं, भिन्न प्रकार होते हैं, उन भिन्न प्रकारों का शुद्ध प्रयोग क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। जैसे इतने सारे हैं, इनमें से ये जान लेना कि कहां पर प्लेस लगेगा, कहां पर प्लेट लगेगा, कहां पर ये प्लेट लगेगा, कहां प्लेइंग लगेगा, कहीं सीधा प्ले ही लगेगा, कहीं पर टू प्ले लगेगा, टू लगा के टू इन्फिनिटिव कहां लगेगा, ये जान लेना क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। टेंस का काल से कोई लेना देना नहीं है। टेंस ना तो टाइम होता है ना ही काल होता है। टाइम एक बहुत दूसरी चीज है और टेंस एक बहुत दूसरी चीज है। और इसीलिए इसी वजह से आप और हम ये कह सकते हैं, एक एक बात मैं इसको मिटा कर देता हूं, इसीलिए इस बात को और क्लियर करते हैं। तो हमने भी क्या देखा कि जो टेंस है, हमने पढ़ा ये टेंस है वो क्या है, टेंस ये है
द करेक्ट यूज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब्स। माने हिंदी में क्या कहते हैं कि क्रियाओं के विभिन्न प्रकारों का शुद्ध प्रयोग। क्रिया के विभिन्न प्रकारों का कैसा प्रयोग? शुद्ध प्रयोग। जो वर्ब्स के वेरियस टाइप्स होते हैं उनका शुद्ध प्रयोग क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। ये तो बात थी एक। अब टेंस कितने होते हैं और क्यों होते हैं ये भी एक बात है। अब जैसा मैंने पहले कहा कि टेंस टाइम नहीं है। अब टाइम के तीन पार्ट होते हैं। टाइम को तीन अलग अलग भागों में बांटा है हमने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब लोग कुछ क्या करते हैं, टेंस को जो लोग टाइम मानते हैं कि टेंस का मतलब काल या टाइम होता है, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि टेंस को भी तीन पार्ट में बांट देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ऐसा नहीं है। काल अलग विषय है और टेंस अलग विषय है। अब क्या है, फिर मैं एक बात बताता हूँ। अंग्रेजी में टेंस दो होते हैं। कौन कौन से? एक प्रेजेंट और दूसरा पास्ट। कोई टेंस नहीं, एक प्रेजेंट और दूसरा क्या होता है, पास्ट। अब वो दो क्यों होते हैं, तीन क्यों नहीं होते थे? अब आपके मन में साधारण सी बात जरूर आएगी कि भाई तीन क्यों नहीं होते, दो क्यों होते हैं, इतने दिन तक तो हमने तीन पढ़े थे, अब तीन क्यों नहीं हो रहे। अब इस बात को थोड़ा सा देखना। आपने हमने सबने जब हम स्कूल एजुकेशन में थे, छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, जब हमने वर्ब्स की फॉर्म्स याद करी थी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, या इनसे सामने पढ़ा हुआ। अब एक बात थोड़ी सी ढंग से देखना इस बात को क्या है। देखो एक बात तो क्लियर, हमने पहले पढ़ ली कि टेंस का मतलब वर्ब का यूज है। अब इसका मतलब ये है कि हमें वर्ब को ढंग से पढ़ना है, टेंस को पढ़ना है। इसका मतलब क्या पढ़ना पड़ेगा? अगर किसी को टेंस पढ़ना है, इसका सीधा सीधा मतलब उसको वर्ब्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब्स का करेक्ट यूज ही क्या है, टेंस है। अब वो क्या है वर्ब्स को देखना। अब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसी खूब सारी चीजें दूसरी बुक्स में लिखी भी होती है, हमारे भारतीय लेखकों के द्वारा लिखी भी ग्रामर की जो बुक्स होती है ना, हिंदी में जो लिखी जाती है, उनमें दोनों को एक करके पढ़ाने के चक्कर में काफी उसमें प्रॉब्लम्स है। एक बात देखना, वर्ब्स का क्या है। हमने पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हमने स्कूल में पढ़ा, मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, हमने पढ़ा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, आजकल कुछ फोर्थ फॉर्म पता नहीं है और कुछ आजकल ऐसे प्रचलन है। ध्यान से देखना, वर्ब की ना तो फर्स्ट फॉर्म होती है, ना ही वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की फॉर्म का कोई लेना देना ही नहीं है। जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं उसका जो शुद्ध नाम है वो क्या है, वो प्रेजेंट टेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती नहीं, वर्ब का एक प्रकार है जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट फॉर्म होती नहीं। जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कह रहे थे उसका नाम क्या है, प्रेजेंट टेंस। जिसको हम सेकंड फॉर्म कह रहे थे उसका नाम क्या है, पास्ट टेंस। जिसको हमने थर्ड फॉर्म के नाम से पढ़ा वो पास्ट पार्टिसिपल है, और जिसको हमने आजकल कुछ फोर्थ फॉर्म के नाम से, आईएनजी के नाम से सुनते हैं, जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी लग जाती है उसको किसके नाम, उसका सही नाम क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाम के रूप में काम आती है तब जिरेंड भी कहते हैं उसको, पर हम लोग भी उस पर डिस्कस नहीं कर रहे, विषयांतर हो जाएगा, वो दूसरे दिशा में जाएगा टॉपिक। तो वर्ब्स जो है, वर्ब्स के अपने नाम है, उसके वर्ब का एक प्रकार है। मैंने कहा क्रिया के विभिन्न प्रकारों का शुद्ध प्रयोग, इसका मतलब क्रिया के विभिन्न प्रकार पढ़ना पड़ेगा। तो क्रिया के प्रकार क्या है, क्रिया के प्रकार ये है, एक है प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब ये है कि आप कोई सा भी प्रेजेंट लगाइए, कोई सा भी प्रेजेंट टेंस पढ़िए, प्रेजेंट सिंपल पढ़िए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़िए, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आपको ये लगाना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। आप कोई सा भी पास्ट पढ़िए, आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। आप पास्ट पार्टिसिपल कब लगाओगे, जब कोई भी काम फिनिश हुआ रहेगा तब आपको 100% रूप से पास्ट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा। कोई काम कंटिन्यू रहेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा, 100% लगाना पड़ेगा। तो एक बात ये क्या, वर्ब्स के जो टाइप है, एक टाइप का नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरे टाइप का नाम है पास्ट टेंस, तीसरे टाइप का नाम है पास्ट पार्टिसिपल, चौथे टाइप का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए यहां पर आपको कहीं पर इधर फ्यूचर नाम दिख रहा है, कहीं भी तो नहीं है। इसीलिए टेंस के दो ही प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक प्रेजेंट टेंस और दूसरा पास्ट टेंस। ये इसका भाग है, इसका भी भाग, ये इसका भाग है, इसका भाग है। पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट टेंस में भी काम आता है, पास्ट में भी काम आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट में भी काम आता है, इसमें भी काम आता है। तो टेंस के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं।
तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा एक बात कि टेंस जो है वो क्रिया के विभिन्न प्रकारों का शुद्ध प्रयोग है। दूसरा, कितने होते हैं अंग्रेजी में टेंस? दो ही होते हैं। आजकल कुछ किताबों में लिख रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश में दो होते हैं, अभी इंग्लिश का कुछ मॉडर्न में से कुछ है नहीं, टेंस दो ही होते हैं, तीन होते ही पहले भी लिखे नाम है, टेंस दो होते हैं, एक प्रेजेंट और दूसरा पास्ट। क्यों है? इसके पीछे ये कि वर्ब के पास, ध्यान से सुनना, वर्ब के पास फ्यूचर को, जिसको हमने फ्यूचर नाम दिया है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, जिसको हिंदी में कहते हैं फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी तो वर्ब नहीं है, कोई वर्ब ही नहीं, फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब ही नहीं है, जब वर्ब नहीं है तो फ्यूचर टेंस भी नहीं है। तो फिर फ्यूचर क्या है, हम लोग कितने दिनों से पढ़ रहे थे, वो एक्चुअली में द फ्यूचर है, द फ्यूचर है, जिसका एक पूरा है, एक जब हम इसको एक प्रोसेस में पढ़ते जाएंगे वन बाय वन, तो हम लोग द फ्यूचर के साथ में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक बात है। तो ये हमने पढ़ा कि एक तो टेंस क्या है, दूसरा हमने ये पढ़ा कि टेंस के कितने टाइप होते हैं, बहुत सारे। अब तो एक कुछ चीजें और इस बात को क्लियर करने के लिए पढ़ेंगे। देखो, हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, है ना, कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, इसे लोग और भी आगे ऐसे मैनर है, प्लेस है, टाइम है, सब पढ़ते थे पहले, पढ़ेंगे काफी। आप देखना जब भी आपने टेंस पढ़े थे ना, मैंने कल की स्पेलिंग से, जब भी हम टेंसेस पढ़ते थे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स याद करते थे, उन स्ट्रक्चर्स में मूल बात क्या थी, एक बात फिक्स थी, पता है क्या वो बात, ये थी सब्जेक्ट तो था ही ना, ऑब्जेक्ट तो था ही ना, ये था कि वर्ब का टाइप चेंज हो रहा था, वर्ब की फॉर्म क्या हो रही थी। देखो बात क्लियर हो रही मेरी, मैंने पहले कहा था वर्ब की विभिन्न प्रकारों का कैसा प्रयोग, शुद्ध प्रयोग टेंस करता है, सेम बात वापस फिर से देखो, जब जैसे जैसे टेंस चेंज होता है वैसे वैसे क्या हो जाती है, वर्ब चेंज हो जाती है। कहीं पर देखो एक वर्ब लगी तो अलग टाइप हो गया, दूसरी वर्ब लगी तो अलग टाइप हो गया, तीसरी वर्ब लगी तो अलग टाइप हो गया, इस प्रकार से। तो सब्जेक्ट रहता है इसमें, ऑब्जेक्ट रहता है, सिर्फ क्या हो जाता है, वर्ब चेंज हो जाती है, और वर्ब के चेंज होते ही टेंस भी चेंज हो जाता है।